घटना होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ऐसे बात करते हैं कि हमारे भारत में सब कुछ ठीक है। वो अपने नाकामियों को इतना छुपाने में माहिर है ना देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा, देश के नाकामी जो उससे नाकामी हो रही है, जो गलती कर रहा है, उस गलती को छुपाने में एकदम नंबर वन पे है। और वो नैतिकता है उस आदमी के अंदर जो देश का रेल मिनिस्टर है, उसके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होती ना तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, सुरेश प्रभु जैसे लोगों की तरह उसे भी अपनी इस्तीफा लेकर जानी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये शुरू से ज्ञान दिया जाता है कि कैसे किसी भी मैटर पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे करनी है, उन्हें जड़ से सिखाया जाता है। आप इस ट्रेन के पटरी पर कहते हो कि हम यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 128 और 126 की स्पीड तो ये सहन नहीं कर पाती है, और ये क्या 350 की स्पीड सहन कर पाएगी, ये उखड़ जाएगी पटरी, दावा के साथ कह रहे हैं। अगर इस पे 350-500 किलोमीटर के स्पीड से कोई भी ट्रेन दौड़ा दिया जाएगा तो ये उखड़ जाएगा। इस पे कोरोमंडल नहीं चल पा रहा है, इस पे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे पटना पुणे एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे साबरमती एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे गरीब रथ नहीं चल पाएगा, और आप कह रहे हो कि हम ये कर लेंगे। देश की सबसे ज्यादा जो रेलवे पटरियां है ना वो 1975 से पहले बन चुकी है, और मात्र 75 से लेकर के इधर 2023 की बात करें तो लगभग 50 साल में मात्र 10% पटरियां को बनाया गया है। आप एक ही पटरी पर 10 ट्रेन दौड़ाइएगा तो उस पटरी की स्थिति यही रहेगी, आपको दूसरा जगह नहीं मिल रहा है, आपको कोई जमीन नहीं दे रहा है, भारत सरकार जमीन एक्वायर करने में विफल हो जा रहा है, ये लोग मंदिर बनाने के लिए जमीन इतना तेजी में एक्वायर कर लेते हैं, स्कूल बनाने के लिए इन लोगों के पास में जमीन नहीं होता है, ये लोग रेल की पटरी बनाने के लिए इन लोगों के पास में मतलब कि जमीन एक्वायर नहीं कर पाते हैं, वहां पर ये लोग फेल होते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर अगर जमीन ना मिले तो ये लोग हाय तोबा मचा देते। वही ट्रैक है जिस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस दौड़ रही थी, और उस पर उस ट्रैक पर आप देख सकते हैं वहां पर मालगाड़ी खड़ी थी, और उधर से जो है वो बैंगलोर जाने वाली ट्रेन यशवंत ट्रेन गुजर रही थी, और इन्हीं इतने ही दूर के फासले में कितनों की जिंदगी चली गई। और आप यहाँ से ठीक 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर जाइएगा तो वहाँ पर जो है जितने भी लोगों का सामान है, बॉडी वगैरह, बॉगी वगैरह सब बिखरा हुआ है, और वहाँ पर हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर अभी CBI वगैरह का जाँच हो रहा है। हमारे साथ केशव जी हैं, केशव जी से बात करेंगे। केशव जी, मुझे लगता है कि वो दर्द आभास, उस दर्द का एहसास आप भी को भी हो रहा होगा क्योंकि उसी ट्रैक पर हम लोग खड़े हैं। अरे हमें तो हो रहा है ना, देश के जो रेलवे मिनिस्टर है उसे होना चाहिए ना इस चीज का दर्द का एहसास, उनका दर्द देश के प्रधानमंत्री को एहसास होना। अरे फोटो में दर्द दिखता है यार, फोटो में तो PR एडवर्टीजमेंट होता है, कैसे पब्लिक रिलेशन को कनेक्ट करना है, कैसे ब्रांड बिल्डिंग करना, परेशान कहाँ हो रहा है। अरे आप चित्रा त्रिपाठी का नहीं देखे आपने, आप रूबिका की बात करें, चित्रा का देखिए कि इतनी धूप में वो कैसे प्रधानमंत्री आकर के देख रहे हैं। आप ये दिखा रही है, वो नहीं दिखा रही है कि कैसे लोग अपने बेटा को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं, तड़प रहे हैं। आप उसके दर्द को नहीं दिख रहे हैं, आप एक प्रधानमंत्री के दर्द को देख रहे हैं जो आदमी आ रहा है और आते वक्त अपना सूट बदल रहा है। आप उस देश के ऐसे रेल मिनिस्टर का दर्द दिख रहे हैं जो आदमी कैमरा के नीचे से उठ रहा है, तस्वीर ट्रेन के अंदर से उठ रहा है, वो उतने जो काम कर रहे हैं, ये भाई का दर्द नहीं दिख रहा है। दिखाइएगा भाई जान, इस भाई का दर्द उन्हें नहीं दिख रहा है। हाँ, ये शुरू कब से लगे हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए, जाइए। क्या नाम है दादा, कब से आप लोग लगे? क्या नाम है आपका? गोपीनाथ किसको। आप लोग शुरू दिन से लगा हुआ है? जब से प्रथम दिन से लगा हुआ। बता सकते हो क्या हुआ था? यह आना रात में आया था। हाँ, क्या देखा? देखा रेल लाइन तो एक्सीडेंट हो गया है। लोग कहाँ पड़े थे? रास्ता में पड़े थे। कितने लोग मरे होंगे? प्राय 5,000 मतलब लोग। 5,000 लोग, मतलब इतने लोग घायल, उसमें से कई लोग मरे होंगे। और आप लोग शुरू दिन से मदद भी कर रहे हैं? हाँ, मदद। अभी ट्रेन पटरी तैयार हो गया है। हाँ। ये आप बता सकते हो किस वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा, क्या गलती के वजह से, कुछ बता सकते हो? हम लोग तो कैंप पे। आप लोग ट्रैक बनाते हैं ना? हाँ। अच्छा।